नमस्ते बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे चीज़ों के नाम और उनके स्वाद के बारे में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दैनिक प्रयोग में आती हैं, उन चीज़ों को क्या स्वाद होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। कुछ चीज़ों के नाम हमने यहाँ लिख रखा है, एक लाइन से देखिए, चीनी, नमक, नींबू, गुड़, करेला, मिर्चा, केला, आम, इमली, टॉफी, सेब, लीची और अनार, ये चीज़ों के नाम हमने लिख रखा है और आपको बताना है इनके स्वाद के बारे में कि इनका स्वाद कैसा होता है। देखिए हम बताते हैं आपको, पहले चीनी है यहाँ पर लिखा हुआ, तो चीनी का स्वाद कैसा होता है बच्चों? मीठा होता है, सभी लोग जानते हैं कि चीनी मीठी होती है। नमक है, नमक कैसा होता है? जब नमक आप खाते हैं तो आपको खारा महसूस होता है, इसका स्वाद खारे में आता है। नींबू है, नींबू सभी लोग जानते हैं कि नींबू जो है खट्टा होता है, नींबू का रस जब आप पियेंगे शरबत में डाल करके तो आपको शरबत खट्टा लगेगा। गुड़ है, गुड़ का कोई भी चीज़ बनी हुई आप जब खाते हैं तो आपको वो चीज़ मीठी लगती है, इसका मतलब है कि गुड़ का स्वाद मीठा होता है। करेला है, और सब्जियां आप खाइए आपको तीखी नहीं लगेंगी, लेकिन करेला की सब्ज़ी बना के खाएंगे तो आपको अवश्य लगेगा, इसका मतलब है कि करेला जो होता है वो तीखा होता है। इसी तरह से बच्चों मिर्चा है, मिर्चा बहुत ही तीखा होता है, आप सब लोग जानते हैं मिर्चा खाने से एकदम बहुत सी तेज़ी के साथ जो है तीखा लगने लगता है। और उसी तरह से बच्चों फल है, फलों के कुछ हमने नाम यहाँ लिख रखे हैं, जैसे देखिए केला है, केला का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है, सभी बच्चे केला खाते हैं तो सबको मीठे का स्वाद मिलता है केला में। उसी तरह से पका आम है, आम दो होते हैं, कच्चा आम होता है, पका आम होता है, कच्चा आम बच्चे खाएंगे तो आपको खट्टा लगेगा और उसी जगह जब आप पका आम खाएंगे तो आपको मीठा लगेगा। ये देखिए इमली है, इमली भी दो स्थिति में पाई जाती है, जब कच्ची इमली रहती है तो वो खट्टी लगती है और जब वो इमली पक जाती है तो आपको मीठी लगने लगती है। टॉफी है बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि सबके जन्मदिन पर टॉफियाँ बांटी जाती हैं, टॉफी आप सब लोग खाते हैं, आपको टॉफी मीठी लगती होगी, तो टॉफी का स्वाद कैसा है बच्चों? टॉफी का स्वाद मीठा है। इसी तरह से कुछ फल हमने लिख रखे हैं, सेब है, लीची है, अनार है, इन फलों को बच्चों जब आप खाएंगे तो सेब भी आपको मीठा लगेगा, लीची भी आपको मीठी लगेगी और अनार भी आपको मीठा लगेगा। इस तरह से ये एक लाइन से हमने चीज़ों के नाम लिख रखे हैं और उनके स्वाद के बारे में लिख रखे हैं, आप इनको अच्छी तरह से कापी पर उतार लीजिएगा और उसको घर पर याद कर लीजिएगा, जब आपको थोड़ा सा भी समय मिल जाए तो आप उसको याद कर लीजिएगा और उसके बाद कल कॉपी में जब आइएगा तो हमको लिखकर दिखाइएगा। आज की प्रायः